सलामुअलैकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे इस रूम में स्वागत है। और बहुत जल्दी दोस्तों ऐसा होने वाला है कि मैं इस रूम को शिफ्ट करने वाला हूं। तो फाइनली दोस्तों आज हम चलने वाले हैं अंधेरी। अब अंधेरी क्यों जा रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं तो वहां पे बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटियों का घर है, और हो सकता है जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बॉलीवुड सेलिब्रिटी का घर मैं आज दिखा सकता हूं, आपको दिखाऊंगा। लेकिन फाइनली दोस्तों जो मेन मकसद आज मेरा होने वाला है, कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का घर आज हम आपको फाइनली दोस्तों दिखाने वाले हैं। तो कॉमेडी किंग कपिल शर्मा जी का अभी मूवी वगैरह भी आया है, और मूवी का यार रिएक्शन लोगों ने काफ़ी ख़राब दिया है कि मूवी अच्छी नहीं है। पता नहीं, मैंने मूवी फिर आज देखी नहीं है, लेकिन मैं मूवी देखने जाऊंगा आज। हो सकता है मैं मूवी भी देखूं और उनका घर भी देखूंगा, दोनों चीज़ें दोस्तों मैं आज एक साथ करने वाला हूं। वैसे अंधेरी ना काफ़ी फेमस जगह है दोस्तों, वहाँ पर बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ साथ दोस्तों बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी रहते हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े घर हैं, और झोपड़पट्टियाँ भी वहाँ पर हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जहाँ पे बॉलीवुड सेलिब्रिटी रहते हैं वहाँ पे झोपड़पट्टियाँ नहीं है, झोपड़पट्टियाँ भी बहुत सारी हैं। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज हम किसी भी झोपड़पट्टी को नहीं देखेंगे, आज हम सिर्फ और सिर्फ देखेंगे दोस्तों कॉमेडी किंग कपिल शर्मा का घर, और थोड़ा सा उनसे जुड़ी हुई यादों के बारे में बात करेंगे। भाई भाई उसने बंदे ने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, वो जीरो से आज किस लेवल का हीरो बना है आपको पता है। वो ऑलरेडी भाई 3 मूवियों में काम कर चुके हैं भाई सर, और 10 साल से भैया कॉमेडी विद कपिल शर्मा कंटिन्यू किए जा रहे हैं। और आपको पता है वो भाई शो कितना सुपर डुपर हिट है, इंडिया से नहीं दोस्तों, इंडिया से नहीं पूरे विश्व में उनके शो को देखा जाता है, तो उनको घर को भी तो देखना बनता है ना। तो चलते हैं दोस्तों फटाफट हम बाहर की तरफ, तो अपने कुटिया का दोस्तों दरवाजा खोलते हैं और निकलते हैं बाहर की तरफ फटाफट। तो फटाफट दोस्तों चलते हैं, अभी इस तरह से हमारी सीढ़ियाँ हैं, और हम थोड़ा सा कपड़ा वगैरह पहनते हैं, निकलते हैं फटाफट। तो फिलहाल जनाब अभी हम आ चुके हैं अंधेरी वेस्ट में, और जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भैया हम चलने वाले हैं कपिल शर्मा जी के घर की तरफ। तो फिलहाल दोस्तों जैसा कि मैं अभी अंधेरी वेस्ट में आया हुआ था, और मैं यहाँ से जब नेट पे देखता हूँ कपिल शर्मा का घर कितना है, तो भाई 4 किलोमीटर दिखाने लग गया, तो मेरा दिमाग ठनका। लेकिन ये है कि भाई यहाँ पे ना ट्रैवलिंग बहुत सस्ता है। अभी क्या है कि अगर आप ऑटो से भी जाएंगे तो 40 या 45 रुपये में पहुँच जाएंगे 4 किलोमीटर। लेकिन फिलहाल दोस्तों मैं वेट कर रहा हूँ बस का, अभी मैं इस अंधेरी वेस्ट में बस स्टैंड पर खड़ा हूँ इस तरह से, और अभी यहाँ पे थोड़ी देर में हमारी बस आएगी, और कई सारी बसें जाती हैं, एक नहीं दोस्तों करीबन 3-4 बसें जाती हैं। हम बस पकड़ते हैं दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं इन्फिनिटी माल। इन्फिनिटी माल से करीबन 1 किलोमीटर के आसपास कपिल शर्मा जी का घर है। तो फाइनली जनाब अभी हम इन्फिनिटी माल तक पहुँच चुके हैं। जैसा कि दोस्तों अंधेरी स्टेशन से 3 किलोमीटर के आसपास इन्फिनिटी माल पड़ता है, और यहाँ से दोस्तों सीधा आप जाएंगे, सीधा करीबन 1 किलोमीटर के आसपास जाएंगे, ये इन्फिनिटी माल है, इधर सीधा ये रास्ता पकड़ के जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे फाइनली कपिल शर्मा जी के घर के पास में। तो पता फटाफट दोस्तों हम चलते हैं पैदल। वैसे मैं इन्फिनिटी माल आपको इसलिए दिखा दिया कि ये लैंडमार्क है, ये काफ़ी फेमस जगह है, और मान लो आप भी कभी भविष्य में प्लान बनाते हैं कि कपिल शर्मा जी के घर को हम भी विजिट करते हैं, तो आप कहीं पर भी रह रहे हो, मुंबई में किसी भी स्टेशन के आसपास रह रहे हो, आपको अंधेरी आना है। आपके यहाँ से फास्ट एंड स्लो दोनों टाइप की ट्रेनें मिल जाती हैं। अंधेरी में आइए दोस्तों, आप जैसा कि पता है कि मुंबई में ईस्ट एंड वेस्ट होता है हमेशा, आप कहीं पे भी जाएंगे किसी भी स्टेशन पर उतरेंगे ईस्ट एंड वेस्ट होता है, तो आपको वेस्ट में जाना है, और वेस्ट में भाई हमेशा ना VIP ही रहते हैं। तो अब जब आप अंधेरी वेस्ट में आ जाएंगे तो दोस्तों आपको वहाँ से बाहर की तरफ से ऑटो मिल जाएगा, जो कि मीटर पर आता है, ज़्यादातर दोस्तों मीटर पर आते हैं, शेयरिंग में नहीं चलता है, और अगर चलता होगा तो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, मुझे मिला नहीं फिलहाल। तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं भैया मीटर पे हमें जाना है। तो अमूमन दोस्तों 4 किलोमीटर के आसपास है कपिल शर्मा जी का घर, तो आप पहुँच सकते हैं, या तो आप बस से जा सकते हैं दोस्तों, आपको बसें मिलती रहती हैं, बहुत सारी बस नंबर है। अब बस नंबर तो मैं आपको सारा नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन आप गूगल करेंगे आपको सारी बसें मिल जाएंगी। 5 रुपये में दोस्तों आप कपिल शर्मा जी के घर पर पहुँच सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों काफ़ी लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार मैं कपिल शर्मा जी के घर के सामने पहुंच चुका हूं। ये पीछे की तरफ दोस्तों जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, अभी इस तरह से देख रहा हूं मैं, कितनी गर्दन अपनी इस तरह से खड़ी किया हूं, उसके बाद ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है। और फाइनली दोस्तों इसी पर कपिल शर्मा जी रहा करते हैं, और वहाँ यहाँ पर ये उनका घर है दोस्तों, यहीं से वो अंदर अप डाउन वगैरह करते हैं, और इनकी गाड़ियाँ जो दोस्तों होती हैं ना इधर से पास होती हैं, इधर का एरिया आप देख सकते हैं। आपको मैं कुछ वीडियोज़ भी दिखाऊँगा अभी दोस्तों कि कपिल शर्मा जी इधर ही से निकलते हैं कई वीडियोज़ में,
और इधर ही ऊपर में भी दोस्तों मीका सिंह जी भी रहते हैं। ये ऊपर की तरफ मैं चलता हूँ दोस्तों, सामने की तरफ, तब आपको अच्छे से दिखा पाऊंगा ये सारा व्यू वगैरह। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बिल्डिंगें काफ़ी महंगी हैं भाई, इनका घर भी काफ़ी महंगा है। कपिल शर्मा जी का घर करीबन 25 करोड़ के आसपास है। और कपिल शर्मा जी के जस्ट घर के बगल में दोस्तों एक छोटी सी सांप दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरह से, ये देख रहे हैं दोस्तों एकदम छोटी सी सांप है, मतलब ब्रोकली वगैरह केजा वगैरह। कपिल शर्मा जी पता नहीं यार यहाँ से तो वो बिल्कुल नहीं खरीदते होंगे मुझे यकीन है। तो फाइनली दोस्तों ये पूरी बिल्डिंग है। तो फाइनली दोस्तों जो ये घर देख रहे हैं ये है आपका कपिल शर्मा जी का घर, ये सामने की तरफ पूरी बिल्डिंगें देख रहे हैं अभी। एग्जैक्टली दोस्तों मुझे फ्लोर नहीं पता है लेकिन मैं पता करता हूँ। अभी मैं एक भाई साहब से बात कर रहा था तो इन्होंने मुझे बताया कि मैं जाता हूँ ऊपर से, यहाँ से भंगार वगैरह भी लेकर आता हूँ। तो ये है दोस्तों कपिल शर्मा जी का पूरा घर। और वैसे मैं बता दूँ दोस्तों अंधेरी में बहुत सारे, जैसे कि कहते नहीं जो जीरो से हीरो बने हुए हैं एक्टर, वो भी अंधेरी में ही रहते हैं। जैसे कि दोस्तों नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी हो गए, राजकुमार राव जी हैं, और बाकी आयुष्मान खुराना, तो बहुत सारे एक्टर्स वगैरह भी यहाँ पे रहते हैं दोस्तों, खास करके अंधेरी के एरिए में। मतलब हमें लग रहा है जो इमर्जिंग, मतलब जो नए नए स्टार बनते हैं वो इस एरिया को प्रेफर करते हैं। और भाई इसमें भी घर लेना कोई आम बात नहीं है भाई, इसके इस घर की भी कीमत करीबन 25 करोड़ के आसपास है। अभी मैं दोस्तों देखता हूँ कि नेट पे कि कपिल शर्मा जी का एग्जैक्टली कौन सा फ्लोर है। और यहाँ से उनके बहुत सारे वीडियोज़ भी लोगों ने दोस्तों बनाई हुई, बालकनी वगैरह में दोस्तों कई बार कपिल शर्मा जी आते हैं तो बहुत आसपास से लोग वहाँ का वीडियो वगैरह बनाए हुए हैं कपिल शर्मा का। और बाकी दोस्तों अंदर का वीडियो वगैरह मैं आपको फिलहाल दिखाऊंगा। अभी एग्जैक्टली यार मुझे समझ में नहीं आ रहा वो किस फ्लोर पर रहते हैं, लेकिन दोस्तों यही है पूरा उनका। और ये उनके साइड की बिल्डिंग है। अभी मैं कुछ भैया से बात कर रहा था, वो बता रहे थे कि यहाँ पर भी एक्टर वगैरह रहते हैं, इस बिल्डिंग में भी कई सारे एक्टर रहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली उन्होंने मुझे नाम नहीं बताया। बोला मैं उनको टीवी पिक्चर में देखता हूँ, वो बगल में मेरे बैठे थे तो बताने लग गए। ये है दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दिखाता हूँ कपिल शर्मा जी के घर। वो कपिल शर्मा जी के घर का दोस्तों एंट्री गेट है, वहाँ पर इनकी जब लिखा है और उधर से भी आना जाना होता होगा मे भी। यार ये देख सकते हैं पूरा, वाह भाई करीबन दोस्तों कपिल शर्मा जी का घर देखने के लिए मैं 4 किलोमीटर पैदल चल गया हूँ। अंधेरी से दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ तक पैदल चल के आया हूँ। वैसे मैं बताऊँ आपको पैदल चलने की ज़रूरत नहीं है भाई, आप जैसे ही स्टेशन से बाहर निकलेंगे वहाँ पे आपको ऑटो लगी रहेंगी इस तरह से। ये देख सकते हैं पूरी ऑटो लगी हुई है, वो मात्र आपसे मतलब 40 या 45 रुपये में दोस्तों मीटर से आएंगे, मैक्स 50 रुपये में दोस्तों आपको वो एग्जैक्टली कपिल शर्मा जी के घर पे जाके छोड़ देगी, जो इनक्लेव करके उनके घर का नाम है। तो आप दोस्तों इस तरीके से आ सकते हैं, ये जो कि सबसे इजी और बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से यही पड़ेगा। और बस से भी आ सकते हैं, बस से भी दोस्तों आना आपको 5 रुपये मात्र पड़ेगा। आप कपिल शर्मा जी के घर पर आके देख सकते हैं इनका घर वगैरह। और जैसा कि मैंने बताया दोस्तों यहाँ पे नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं एग्जैक्टली मुझे अभी आइडिया नहीं है यार वो कहाँ रहते हैं, नहीं तो मैं उनका घर वगैरह दिखाता। अब उनका घर देखने के लिए दोस्तों मुझे काफ़ी टाइम यहाँ पे सर्च वगैरह करना पड़ेगा, तो इस वजह से मैं उनका घर फिलहाल अभी आपको नहीं दिखा पाऊँगा। बस यही है कि कपिल शर्मा जी का घर दोस्तों ये देख सकते हैं इस तरह से। और किसी नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आऊँगा स्पेशली अंधेरी में, और सारे एक्टरों का घर ही मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो अभी दोस्तों मैं काफ़ी दूर पैदल चल गया भाई, काफ़ी थक गया हूँ, तो मैं अभी कपिल शर्मा जी के घर के सामने बैठ गया हूँ, थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करता हूँ। और बाकी कपिल शर्मा की जर्नी के बारे में बात करते हैं बैठ के कि भैया कपिल शर्मा कहाँ मुंबई में बनने आए थे सिंगर और कहाँ बन गए वर्ल्ड क्लास कॉमेडियन। भाई यार इनकी कॉमेडी की जो एक एक लाइन होती है ना भाई, वो मतलब दिल को कनेक्ट कर जाती है। मतलब कहते नहीं भैया, मतलब यार बंदा क्या गजब का कॉमेडी करता है भाई, मतलब एवरी मैन उससे कनेक्टेड हो जाते हैं, मतलब इस तरह से कॉमेडी करता है। खैर भाई मैं उसके बारे में क्या कहना चाहूँगा वो तो आप लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते होंगे, आप चाहे अमेरिका रहते हों, चाहे दोस्तों इंग्लैंड में रहते हों, चाहे विश्व के किसी भी कोने में रहते हों, इंडिया में हो पाकिस्तान में, दोस्तों उसके वीडियोज़ को ना जो बड़े शौक से देखते हैं भाई, वो किंग है, किंग ऑफ द कॉमेडी। कहते हैं दोस्तों कपिल शर्मा का जो शो उसने स्टार्ट किया था सिर्फ और सिर्फ 3 एपिसोड के लिए, और बंदा आज देख रहे हैं कंटिन्यूसली दोस्तों उसको 10 साल हो गए उस शो को करते हुए, वो इतना पॉपुलर हुआ दोस्तों उस शो के माध्यम से। भाई ने 3-3 मूवियाँ कर डाली। अभी दोस्तों जो उनकी अभी लेटेस्ट मूवी आई है जिगोटो करके, वो यार मुझे लग रहा है कि फ्लॉप होने वाली है, क्योंकि मैंने उसके रिव्यू वगैरह देखे, उसके शो वगैरह बहुत सारे कैंसिल हुए, तो कुछ इस तरह के सीन्स है दोस्तों। कहते ना दोस्तों ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, लगे रहना चाहिए डट के। जिस तरह से दोस्तों कपिल शर्मा, मतलब यार लेकिन बंदे में है भाई, देखो टैलेंट है तो लोगों की कदर है। अभी भाई साहब एक काफ़ी फेमस हुए हैं एमसी स्टैन भाई साहब, वो बंदे ने भाई क्या मतलब भाई क्या गजब का वो भी है भाई, मतलब गाना वगैरह वो रैप वगैरह करते हैं यार, बिग बॉस ने उनको क्या
मतलब वो फेमस पहले से था, बाकी बिग बॉस में जाने के बाद दोस्तों वो गजब के फेमस हो गए। तो अभी वो एमसी स्टैंड जो गए थे कपिल शर्मा जी के शो में गए थे, तो मैं अभी देख रहा था दोस्तों, तो मतलब यूट्यूब पे आया हुआ था वो वीडियो, तो वो देख रहा था तो मुझे एक बैग याद आ गया कि भाई मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट हो ना तो आपकी दुनिया कदर करती है। तो बाकी कपिल शर्मा जी आपके घर के सामने मैं बैठा हूँ भाई, आप हस्ती हैं हस्ती हैं। ये अमृतसर पंजाब में जन्मा हुआ बंदा दोस्तों आज पूरे विश्व में फेमस है। जैसा कि दोस्तों आपको पता हो कि कपिल शर्मा अपने वीडियो में अपने आप को इस तरह से रोस्ट करता है कि भैया हम इतने गरीब हैं, लेकिन भाई साहब वो 25 करोड़ के इस बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब बिल्डिंग नहीं दोस्तों इस फ्लैट में रहते हैं, और वो 7वें फ्लोर पर रहते हैं, वो जो ऊपर का 7वां फ्लोर है उस पर कपिल शर्मा जी रहते हैं। मतलब कहते हैं दोस्तों वो जीरो से हीरो बना हुआ बंदा है, वाकई यार उसने मेहनत की है, स्ट्रगल की है, आज यहाँ पे रहता है मुंबई के सबसे वीआईपी एरिया में। और यहीं पे सोनू सूद जी का भी ऑफिस है और उनका घर वगैरह भी दोस्तों यहीं पे है, सोनू सूद सर का घर, वैसे जो कि लोगों की हेल्प वगैरह करते रहते हैं, यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने पे है। लेकिन फिलहाल दोस्तों आज हमारा सोनू सूद जी का घर देखने का प्लान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कपिल शर्मा जी का दिखाने का प्लान था, क्योंकि दोस्तों अभी उनकी मूवी वगैरह आई है और उनके कॉमेडी की भाई चर्चा तो पूरे विश्व में है, ये तो सभी आप जानते ही हैं। तो इस वजह से दोस्तों मैं अभी फिलहाल आया था कपिल शर्मा जी के घर में, और जस्ट दोस्तों ना जो कपिल शर्मा जी का फ्लैट है उसके ऊपर का जो फ्लैट है वो एक मीका सिंह भी यहीं पर रहते हैं, इसी के ऊपर में दोस्तों ना मीका सिंह जी रहते हैं, तो मतलब दोनों लोग दोस्तों साथ ही में रहते हैं, कुछ इस तरह से दोस्तों सीन्स है। और यहाँ से पास में ही दोस्तों इन्फिनिटी मॉल पड़ता है, और भाई अगर इनके नेटवर्थ की बात किया जाए तो बंदे 300 करोड़ रुपए का भाई नेटवर्थ है बंदे का, और अगर एकक सो की बात करें भाई एकक सो का बंदा 75 से 35 से 40 लाख रुपए एकक सो का चार्ज करता है, उन्हें मतलब बोले तो ना एकक एपिसोड का चार्ज करता है। कुछ इस तरह के भाई साहब कपिल शर्मा जी के घर थे, जो कि फाइनली मैं दोस्तों अभी करीबन यहाँ पे 1 से 1.5 घंटा बैठ के इस घर को निहारता रहा। घर वाकई दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है, लेकिन अभी पेंटिंग वगैरह नहीं की गई है। वैसे बंदे ने भाई दिल खुश कर दिया, कपिल शर्मा का घर आज हमने फाइनली दोस्तों देख ही लिया और आपको भी दिखा दिया। बाकी दोस्तों आपको घर कैसा लगा प्लीज़ यार कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फाइनली दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ये दोस्तों सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा, फिर मिलेंगे।